वंदे गुरुपद्द्वंद्व भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदेराधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वाचाकुवश कृपा सिंधुवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्किपातमहं वंदे परमानन्दमाधवं वृंदावै तुलसीदेवै पियावै केशवस्य श्रीनवभक्तिपदेवी सत्त्वत्वये नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पत्रस्य प्रकाशने च हदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्वरुण देयं सदा परिभवन्नम अविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरंजनतम शरण्यं भीतातिहं पुनतपाल भवद्विभूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदं यत्पादवल्लवनखचंदमणिच्छटाया विस्फुरजितकमपि गोपवधूस्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति शाराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायुताक्षु विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणाभुतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपम् भुक्तिंच मुक्तिंच ददासिनित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरं भागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथ वागीशजस्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे विषयान ध्यातश्चित्तं विषयेषु विसज्यते माम् अनुस्मरतश्चित्तं मयैव प्रविलीयते विषयान ध्यातश्चित्तं विषयेषु विसज्यते
माम अनुस्मरतः चित्यं मय्येव प्रविलीयते। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं, ये जगत का आकर्षण विकर्षण का जितना सारे वस्तु है, ये सारे आकर्षण विकर्षण का जो वस्तु है, इन सब से छुटकारा मिलना जरूरी है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल जी ने बताएं, जगत गुरु जी ने बताएं, ये जगत का जितना सारे आकर्षण विकर्षण का वस्तु है, आकर्षण विकर्षण का विषय है, इन सभी विषयों से छुटकारा मिलना जरूरी है और इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। क्योंकि जब तक विषय का लगन लगे रहेगा अंदर में अंतर में, तब तक ये दुनिया से कोई छुटकारा है नहीं। जन्म जन्म मरण मरण का जो माला चैन, ये कभी बंद होने वाला नहीं। याद है महाप्रभु जी ने, महापुरुषिमन महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वाई को सामने रखते हुए हम लोगों के लिए इतना सुंदर उपदेश दिए, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना बोलिबे, भालो ना खाइबे आर भालो ना पुरीबे, अमानी मानो धैया सजा नाम लभे। महाप्रभु जी का उपदेश है। ग्राम्य कथा मतलब मेटेरियल कथा। ग्राम्य कथा में बड़ा मजेदार मजा लगता है, हरि कथा में मजा नहीं लगता। ग्राम्य कथा तरह तरह का ग्राम्य कथा होते रहे, उसमें खुराक मिलता है, बहुत मजा, जिंदगी का खुराक। जबकि भागवत में ये ऐलान कर दिया पूरा दशम स्कंध में, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विगाता। जहाँ हरि कथा प्रसंग हो, गुरु परम गुरु वैष्णव का मुखारविंद से, जो परमहंस गुरु वैष्णव का मुखारविंद से जहाँ हरि कथा चलते रहती है, वहाँ ग्राम्य कथा होना संभव नहीं। अगर होए तो धक्का लगेगा उसका। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विगाता। हरिकथा, हरिकथा का मतलब है ग्राम्य कथा विघाता। ग्राम्य कथा का साथ उसका टक्कर, धक्का लगा के एकदम फेंक देते। क्योंकि कौन जाने जिंदगी में एक पल भर अगर मिसयूज हो गया और उसका उस समय का अंदर मेरा मौत आ गया तो कहना ही क्या है। इसलिए खट्टंग राजा का जिंदगी देखो और बाकी बहुत सारे प्रमाण हैं। ये लोगों ने बड़ा छोटी सी समय, परीक्षित महाराज छोटी सी समय के अंदर अपना जीवन जिंदगी को सार्थक बनाए। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विगाता। ग्राम्य कथा धक्का लगता है हरि कथा होने से। और निशब्यमानम अनुदिनम, निरंतर, इसमें कोई गैपिंग का बात बोला नहीं, निरंतर। निशब्यमानम अनुदिनम, हर दिन हर समय हर पल हरि कथा सुनते रहे। दूसरा काम में लगे रहे तो मेंटली हृदय में तो पहले जो गुरु जी का मुखारविंद से सुना हुआ हरि कथा को फिर दोबारा सुनेंगे। कैसा कैसा वैष्णव लोगों ने बताए हैं, तो अंतर में संग होते रहेगा हरि कथा। बाहर में काम में जाए तो हरि कथा कैसे सुने, वो तो ठीक है, लेकिन अंतर आत्मा अगर हरि कथा के लिए तरसते रहते हैं तो कोई चिंता का बात नहीं। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते, उसमें क्या होता है, ग्राम्य कथा विगाता। ग्राम्य कथा धक्का लगता है, हो नहीं पाता। अनिशब्द मानम अनुदीनम, हर वक्त हर दिन ये हरि कथा सुनते सुनते निशब्द निशेब्य मानम अनुदीनम मुमुक्षुर मतिम सतिम जच्छति वासुदेव,
मूर्ष व्यक्ति का भी मन पिघल जाता है और घूम के मुमुक्षुर मतिम सतिम यच्छति बाज मतिम सतिम यच्छति, इसमें एक ध्यान देने वाला बात है। मतिम सतिम यच्छति वासुदेव, इसका मतलब है मोती शब्द संस्कृत में मोती शब्द स्त्रीलिंग है, नदी शब्द मोती शब्द ये सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग और धातु का उत्पत्ति का ऊपर इसका लिंग डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ा विचार वाला बात है। तो मतिम सतिम माने मन को स्त्रीलिंगो मन मति मतिम सतिम और मन को बताया गया सतीमति, अर्थात जैसे सती नारी और वेश्या नारी दोनों पार्थक्य हैं, इसलिए मन जब विषय में भागादौड़ी करते रहते हैं, मन जब विषय में भागादौड़ी करते रहती है इसको वेश्या, और इस मन जब एकदम भगवान का कथा में चिंतन में लगे रहे तो मतिम सतिम यच्छति वासुदेव, सतीमति हर वक्त स्वामी का सेवा में व्यस्त रहती है, भगवान परम स्वामी इनके सेवा में इनका कथा में लगे रहने से मतिम सतिम यच्छति वासुदेव, ये तो पक्का बात है। और महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बताएं अगर कोई उपदेश सुनना है तो सुन लो, कुछ उपदेश करे प्रभु, कुछ उपदेश करे। महाप्रभु जी ने बताएं जो तुमको तो स्वरूप गोसाई को गुरु कर दिया, स्वरूप गोसाई के पूछताछ किया करो, मैं भी उतना नहीं जानता हूँ जितना स्वरूप गोसाई जानता है, स्वरूप जानता है, फिर भी चलो आपका अगर श्रद्धा है मेरा उपदेश में तो ऐसा उपदेश है जो हरिभजन करना चाहे, जो हरिभजन नहीं करना चाहे उसका लिए तो कोई उपदेश क्या होगा, वो तो सुनेगा नहीं ग्रहण करेगा नहीं, चाहे क्या भी कैसे भी बेस बना के बैठा हुआ है बाबा जी और पिताजी जो भी बेस बना के बैठे हैं, भजन नहीं करने वाले को लिए तो कोई उपदेश क्या, वो तो ग्रहण करेगा नहीं। तो माँ बोले अगर शुद्ध आए तो सुन लो, कृष्ण भजन जो करना चाहे, कृष्ण एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट, कृष्ण भजन करने के लिए तुमको भी एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में जाना जरूरी है, मेटेरियल प्लेटफॉर्म में रहकर कृष्ण भजन करना संभव नहीं है। इट इज लाइक कृष्ण भजन का मुताबिक लगता है, लेकिन एब्सोल्यूट अवस्था में जाने का बाद ही कृष्ण भजन शुरुआत होता है, उसका पहले होता नहीं। इधर बताया गया जो महाप्रभु जी ने बताए कि देखो ग्राम्य कथा आता मेटेरियल बातें, जड़ जगत का जो शब्द है ये सुनना नहीं, ये काम में फंसा देगा, घर जगत का जो कथा है काम में फंसा देगी, मुश्किल बहुत मुश्किल। इसलिए महाप्रभु कहते ग्राम्य कथा, जहाँ भी ग्राम्य कथा होते रहते हैं मेटेरियल बेनिफिट मेटेरियल ग्राम्य कथा, स्त्री पुरुष प्रसंग कथा देखना भी माना है, यहाँ तक भी आलेख्य ग्राम्य विषय का भी आलेख्य है ये भी देखना माना, बहुत सारे प्रमाण है भागवत में, भागवत जी महापुराण में। तो इधर कहा गया जो यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघाता निषेव्यमान अनुदिनम अनुदीन, ये सब कथा सुनते सुनते मतिम सतिम यच्छति वासु सतीमति, मति सती बन जाती है और भगवान का कथा में एकदम मशगूल हो जाती है, ये जरूरी है। और महापुरुष जी ने बताए गाम्य कथा ना सोई गाम्य कथा ना कोई भी भालो ना खाइबे भालो ना पड़ी, यहाँ एक मुश्किल आफत आ गया भालो ना खाइबे, अरे हमको तो भालो ना खाइबे कैसे हम जिएंगे, भालो खाना भालो अच्छा अच्छा खाना तो जरूरी, नहीं तो कैसे जिएंगे, वो तो ठीक ही है। यहाँ पौपाद जी को एक ही प्रश्न किया किसी आदमी ने, किसी भक्तों का ग्रुप ने प्रश्न किया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है महाराज कैसे ग्राम्य कथा बोलना सुनना ये हानिकर अमंगलजनक कैसे, ये तो समझ में नहीं आ रहा है।
प्रभुपाद व्याख्या करके बोल रहे हैं जे महाप्रभु जी ने बताया, क्योंकि ग्राम्य कथा ऐसा चीज है, एक मेटेरियल प्रसंग जो है, एक मेटेरियल सामान्य प्रसंग, हमको पूरा मेटेरियल ये जड़ जगत का सागर में फेंकने वाला है। अजामिल का देखो एक प्रसंग सामान्य प्रसंग देखा, बात हो गया उसका छुट्टी, ततस्ता जीव गिर गया पूरा एकदम। और भालो ना खाई बे भालो ना पोरी बे, महापुरु जी ने बताया अच्छा खाना भी नहीं है, अच्छा पहनना भी नहीं। अरे क्या अच्छा पहनने से आपका क्या बिगड़ता है महाराज? बोले हमारा भी आता ना ऐसा बात है, प्रभुपाद जी ने विचार करके दिखाया, अगर किसी का अंदर में अच्छा खाने का लोभ है, अच्छा खाने का लोभ मतलब इसको जीवा लोभ, जीवा लंपट, अच्छा खाने का जो विचार है इसका मतलब है जीवा लंपट। जब तक जीवा का लंपट रहे तब तक कृष्ण भजन दूर बहु दूर बहु दूर की बात है, ये संभव नहीं। कि भागवत का ये सिद्धांत है, तावत जीवेंद्रिय नौसा जितेंद्रियो तब तक बोला नहीं जाएगा, विजिता अन्य इंद्रिय प्रमाण, तमाम इंद्रियो ग्राम को जय करने का बावजूद आपको काम जो ही बोला नहीं जाएगा। क्यों? बजे इधर लिखा हुआ है जे तमाम इंद्रियोग्राम जय करने का बाद भी अगर माइंड को जय करने में असमर्थ है, माइंड तमाम और जीवा जय करने में असमर्थ है जीवा, तावत जितेंद्रियो नौ सात तब तक ये जितेंद्रियो कभी भी नहीं बोल सकता जितेंद्रियो ना, तावत जितेंद्रियो नौ सात विजितान अन्यन्द्रिय प्रमाण हो, दूसरा सारे इंद्रियोग्राम को जय करने का बावजूद उसको विजित इंद्रियो बोला नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रसना जीवा जीतम सर्वम जीते रसे, जीवा रसना को जय प्राप्त तो नहीं किया, जीव हई कतो उच्युत विकर सती माँ वितुप्ता शिष्ण अन्नत हस्तक उदरम श्रवणम कुतश्चित है ना, घ्राण स्तपल दिक्कच कर्म शक्तिर बहव शपत्नी व गृहपतिम लुलंती प्रहलाद मारे, जीवा को पहले दिया, क्योंकि जीवा लंपट जय करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और जब तक जीवा को जय नहीं कर पाते तब तक आप तमाम इंद्रियोग्राम को जय करने का बावजूद आपको जितेंद्रियो नहीं बना जाएगा, तमाम इंद्रियोग्राम को जय करने का बावजूद आपको जितेंद्रियो नहीं बना जाएगा जब तक जीवा को जय नहीं किया। और भागवत में सिद्धांत है 11 स्कंद में भगवान उद्धव जी कह रहे हैं जीतम सर्वम जीते रसे, अगर जीवा को किसी ने जय कर लिया ये तो असंभव है, फिर भी अगर किसी ने जीवा को जय कर लिया तो यूं समझो कि आपका मिल गया, हो गया। क्यों? जीवा जय करने के साथ, जीवा का साथ चेन वाइज इन द सेम लाइन ऊपर में जाओ, आंखें हैं, नासा है, ऊपर लाइन में कान है दो साइड दो, और नीचे जाओ वो पेट है अपना, पूरी कचौड़ी खाने का लोग हैं, और जीवा नासा चक्षु, धीरे धीरे नीचे आओ, इसका बाद उदर का बाद उपस्थ जानते हो ना, हैं नीचे जाओ, तमाम इंद्रियोग्राम आपको दुख की सागर में फेंकने वाला है। अब आपको पता भी नहीं अच्छा खाने से क्या होगा हमारा, अच्छा खाने से जितना नुकसान होता है वो आपको पता भी नहीं, कुछ जानते नहीं। इसलिए भगवान का प्रसाद विचार लेकर खट्टा मीठा जो भी जिंदगी में मिले वो आराम से युक्त वैराग्यों के साथ पालो। अगर थोड़ा तीखा चाहिए, खट्टा चाहिए, चटपटी चाहिए, आलू का परोठा चाहिए तो हो गया छुट्टी,
भजन होने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल। ये शास्त्र का कहावत है। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी का याद हो गया, सेवक ने प्रसाद दिया, महाराज जी खा पी के आराम से हाथ पाथ धो के बस भजन कर रहा है, और सेवक ने बहुत समय बाद भोजन करने बैठे प्रसाद पाने, और प्रसाद मुख में देते ही वो तो घबरा गया, महाराज क्या हुआ, आपने कुछ बोला नहीं। पर क्या बोले, बोले हमने नमक डालने भूल गया दाल में, आपने बोला नहीं, आप तो दाल में नमक डालना भूल गया, आप बोला भी नहीं कुछ है, तो बोलना चाहिए ना। महाराज बोले हम तो ना दाल पाया, ना तो सब्जी पाया, ना तो चटपटी पाया, ना तो नमक पाया, कुछ नहीं, मैंने तो प्रसाद पाया, भगवान को दे दिया, प्रसाद हो गया। जरभड़त जी महाराज इतना जला हुआ, इतना गंदा चीज दे दिया भगवान को, अमृत बन गया। प्रहलाद महाराज दे दिया पॉइजन, अमृत बन गया। मीरा ने दे दिया कालकुट विष, अमृत बन गया। लेकिन विश्वास होनी चाहिए, महाप्रसाद है गोविंद है ब्राह्मण वैष्णव है स्वल्प पुण्य, जे लोग अल्प पुण्य हैं विश्वास नहीं करते वो लोग, कितना पावरफुल है। जो भी है खैर चलो, आगे महाप्रभु कह रहे प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है चलो, फिर भी किसी का अंदर में अगर अच्छा खाने का लोभ है, ठीक है गुप्त रूप से सीक्रेट लिखा लिया। प्रभुपाद कहते थे ये अच्छा खाने से भी अच्छा पहनना और खतरा है, क्यों, अच्छा खाने से अच्छा पहनना और ज्यादा खतरा है, क्यों, मेरा अच्छा खाना ठीक है हमारे लिए नुकसानदायक है, और किसी ने देख लिया जो अच्छा अच्छा खाता है उसका भी ललची कोई आदमी उसको लोभ आ जाएगी। लेकिन प्रभुपाद का विचार है अच्छा खाने से अच्छा पहनना ज्यादा, क्योंकि अच्छा खाता अच्छा खाने का जो टेंडेंसी है, अच्छा खाने का जो टेंडेंसी है, खैर चलो ये अच्छा खाने का टेंडेंसी है इसलिए कि इसका लोभ है, अपना लिए खाता है, लेकिन पहनने का जो टेंडेंसी है वो दूसरे को दिखाने के लिए, पहनने का जो टेंडेंसी है अच्छा पहने वो दूसरे को दिखाने के लिए, और कोई किसी आदमी का अंदर झेलक से आ जाए उसका भी पतन हो जाएगी, तो इसलिए अच्छा खाने से वो बात व्याख्या करते थे, और अच्छा पहनना और खतरा है क्योंकि वो दूसरे को मुसीबत में डालने वाला, और जीवहार लालो से जे इति उति धाय, जीवहार लालो से जे इति उति धाय, शिष्णो दौर परायण कृष्ण नहीं पाए, है ना लिखा हुआ जगदानंद पंडित लिखा, जीवहार लालो से दे इति उति धाय, जीवहा लंपट्ट के द्वारा, जीवहा का लंपट्ट के द्वारा प्रेरित, जीवहा का लंपट्ट के द्वारा प्रेरित होकर अगर भागादूरी करते रहते हैं तो ये इधर अच्छा खाना आज भंडारा है उधर जाए पूरी कचौरी मिले हैं रसगुल्ला मिलेगा और पनीर आदि तो सब्जी तो बनेगा ही तो उधर जाए थोड़ा भोजन, ऐसा लालच जो है जिसका अंदर में उसके लिए कृष्ण भजन असंभव है। और जीवहार लालो से ये इतुति धाय जगदानंद पंडित लिखा है, जगदानंद प्रेम विवर्त ग्रंथ, प्रेम विवर्त ग्रंथ में जीवहार लालो से जे इतुति धाय शिष्णोधर प्रायण, शिष्णो उदर प्रायण कृष्ण ही पाए, शिष्णो मतलब नीचे का अंग है जिसका बाजे इस्तेमाल किया जाता है अगर चाहे तो ये जो है शिष्णो उदर, उदर मतलब पेट, अब पेट का नीचे जो इंद्रिय है तो बड़ा एकदम कुत्ता बिल्ली बना दे आदमी को, ये दोनों ही खतरा है। ये जीवा लामपट्टो जीवा का लोभ जिसका अंदर में है उसको एकदम कुत्ता बिल्ली बना दे, ऐसा भी हो सकता। जीवा लालो से जे इति उति धाय शिष्णो उदर पड़ायन, उसका पेट का परा है, पेट के लिए उसका बड़ा चिंता है। शिष्णो उदर, शिष्णो नीचे का अंग है, दोनों परायण जो उसको संचालन करता है, बड़ा नुकसानदायक है, बड़ा भयंकर है, हानिकारक है, ये तो है ही है। और पहनने का जो जहाँ तक सवाल है, ये पहनना जो है आदमी दूसरे के लिए कपड़ा पहनता है, किसी को अट्रैक्शन, कोई लड़की अच्छा कपड़ा पहन के गई
ऐसा बहुत बहुत नो इतना खराब कपड़ा जैसे कि किसी का आकर्षण हो जाए, ऐसा करके हमारा इंद्रियोग्राम जो है बेशाकमापी बेरहम, हमारा जितना तरह आँखें हैं कान हैं त्वचा है शिश्नो उदर पंचो कर्मेंद्रियो पंचो ज्ञानेन्द्रियो नासा है चक्षु है तमाम बेशाकमापी, जितना भी माना करो सुनने वाला नहीं। इसके द्वारा क्या होता है, जीवों का चित्त कलुषित हो जाते हैं। और किस इस बात को उठाए, इसलिए कि आप देखेंगे कैसे शरीर को छोड़ने का बाद जो संस्कार इस जन्म में बन चुका है इसको लेकर जाना पड़ता, क्या आफत है, कितना बड़ा आफत है जन्म मरण का जो चक्कर है, किसी भी हालत से छूटने वाला नहीं है, इसीलिए ये बात को उठाया। औषध वार्ता वेशा विसिज मति सर्वसहरणी, रघुनाथ दास गोसाई ने बताया। और जिसका ग्राम्य कथा सुनने में रुचि है, देखना ये साइंटिफिक विचार करके, जिस आदमी का ग्राम्य कथा मेटेरियल कथा सुनने में रुचि है जरूर वो शिष्णु उदर प्रायण, ये हो ही नहीं सकता। जो ग्राम्य कथा सुनने और बोलने में अभ्यस्त है हैबिचेटेड है, उसका बाकी सारे जो दोषावली है, दोषावली जैसे गुणावली होता है दोषावली, ये रहेगा ही रहेगा, ये कोई बोलने का बात ही नहीं। प्रभात कह रहे हैं ये ग्राम्य कथा किसी आदमी को भजन से छूटी कराकर इन्फिनिटी ओशन ऑफ मेटेरियल पेन, जड़ संसार का जो दुख है इस सागर में फेंकने वाला है। प्रभात कह रहे हैं ये महाप्रभु का उपदेश है, जो हरिभजन करने के लिए चाहते हो तो ग्राम्य कथा सुनो नहीं, ग्राम्य कथा बोलो नहीं, और अच्छा खाने का अच्छा पहनने का सोचो नहीं, निष्किंचन होके हरिनाम जपते रहो। अच्छा खाना अच्छा पहनने का अगर इच्छा पैदा हुई तो हरिभजन से छुटकारा जरूर मिलेगी, किसी भी हालत से हरिभजन नहीं होने वाला होगा, नहीं नहीं नहीं। ये प्रहलाद महाराज के कहना है, भागवत का बहुत सारे श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सप्तम स्कंद में हमने कह चुका है बहुत बार, तो किसी भी हालत से इससे छुटकारा मिलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सुने कौन, कौन सुने हैं, भेड़ियों का सामने भेड़ा का सामने है नो भैंसों का सामने भेड़ी पीटना, हमारा निष्किंचन महाराज कहते थे चंडीगढ़ का भैंसों का महाराज भरी भैंसों का सामने भेड़ी पीटना कोई फायदा नहीं, वो आप पीटते रहो वो गां करते ऐसे अपना रास्ता में चले वो सुनेगा नहीं, ऐसे ही हालत है। तो गुरुजी कहते थे कुत्ता का जो लेज है, कुत्ता का जो पिछुआ है ना, कुत्ता का गुरुजी बोलते थे बाबा कुत्ता का पिछुआ बेका, कुकुरे लेज बेका बंगाली में, कुकुरे लेज बेका बाबा, जितना भी मैसेज करो घी और तेल लगा के पूछो पूछो और पूछी आप खींचते रहो सीधा करने के लिए, होगा ही नहीं, वो टेढ़ा ही रहेगा ऐसा ही। प्रभुपाद जी बड़ा दुख के मारे है अपराकित दुख, कहते थे एक बानर का कहानी एक बूढ़ा बांदर का कहानी, प्रभुपाद कहते थे एक नगर में इंद्रो नाम का एक कई एक राजा बसते थे, एक राजा का नगरी है इंद्रो नाम का, और राजा का दो चार लड़का था, और लड़का लोगों का बंदर पर बंदरों पर बड़ा आसक्ति है, बंदरों को लेके खेले कूदे ये बड़ा, राजा ने देखा ठीक है हमारा बचपना तो है ही है और हमारा बच्चा लोगों का बंदर से बड़ा लगन है, तो ठीक है बंदरों को अच्छा खिला पिला गोवर्धन में जाओ हैं, परिक्रमा तो छाई कुछ नहीं है,
वो बंदरों को खिलाने पिलाने व्यस्त है, वो क्या करे, कोई बिस्कुट दे, कोई कल केला डाले, कोई कुछ डाले, बंदरों को खिला हैं, वो इसी में व्यस्त है, उलझे रहते हैं। गोवर्धन क्या चीज़ है उसको समझ में ही नहीं है। जो भी है, बच्चा लोगों का बंदरों में लगन है, इस विचार के अनुसार राजा ने बंदरों को पाला है, बहुत सारे खाना पीना दे के अच्छा अच्छा खाना देते थे। और बंदरों का जो सबसे बड़ा सीनियर है ना, बंदरों में जो सबसे बड़ा सीनियर है, बड़ा इंटेलिजेंट है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है ना, अपना एक्सपीरियंस है। वो चाणक्य नीति, प्रभुपाद हंसते हुए कहते थे उसका चाणक्य नीति, बृहस्पति का नीति से बड़ा उसका आइडिया है, एक्सपीरियंस है। और दूसरे जितना सारे बंदर है, ये विद्ध बंदर, बूढ़ा बंदर, बीच बीच में लोगों को शिक्षा देते थे। ये बूढ़ा बंदर जो है, एक्सपीरियंस बंदर जो है, पंडित है, वो दूसरा बंदरों को बीच बीच में सलाह देते थे, ऐ ऐसा मत कर, करने से मुसीबत आ सकता है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ऐसा हुआ, वो राजा का ये जो मेष जानते हो, लैम्प बने, लाइट नहीं, लैम्प, जो भेड़े ये लोग, एक पाल था उसको, और उसको खाना पीना मिलता था उसका लिए, चढ़ाने के लिए दूसरा आदमी नियोग किया गया। और ये लोग इतना लोभ है कि बीच बीच में रसोई घर में घुस जाए, और जितना अरे रसोईया अगर थोड़ा इधर इधर उधर हुआ तो मेष घुस कर सब खराब खा देते। और जला हुआ लाकड़ी लेकर ये जो रसोईया है गुस्से में आकर एक डंडा मरते थे, और उसका गांव में उसका शरीर में तो लोम है, फार लोम है ना। और एक ऐसा अगर हो गया तो एक दिन तो जला हुआ एक लकड़ी लेकर पीटा, पीटने के साथ भेस का शरीर में आग लग गया, वो छूटने लगे, छूटते वो जो घोड़े का जो जगह है, हाथी शाल घोड़े शाल, वो घोड़े का उधर चला गया। और घोड़े का तो परमानेंट, वो जो घोड़े का जो रूम है वो पत्ता फूंश और पत्ता से बनाया होता, और उसमें आग लग गया। वो सारे घोड़े जो है बंधा हुआ था, एकदम छलांग लगाते, एकदम ऐसा हालत हुआ। जब राजा का आदमी आए आँख को निभाए, तब तक बड़ा मुश्किल हो चुका। कैसा है, बहुत सारे घोड़े का शरीर में एकदम घाव हो गया, एकदम आँख से जल गया। हाय भगवान, इतना ये जो घोड़े है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और युद्ध में जाने के लिए कामी बहुत मुश्किल। अभी राजा का पास खबर गया, राजा ने बोला हम क्या करें, बुलाओ वैद्य को, वैद्य आप जल्दी करो, हमारा जरूरत है, घोड़े का कोई नुकसान हमारा सहन नहीं है, और घोड़े को इलाज करो जल्दी, जो कुछ भी लगे जितना दवा लगे। बोले महाराज, घोड़े ये जो जल गया शरीर, इसका तो एक ही दवा, बोलो कितना पैसा लगे। अब पैसा का बात नहीं है, वो बंदरों का शरीर का जो चर्बी है उसको खोलकर उसको जलाकर लगा लेपाई करो, है ये कैसे हो सकता, तो करो, बंदरों को पकड़ो और जाओ, उसको लेके उसका जितना चर्बी है, फैट है, उसको निकालो और उसको जलाओ, और उसको घोड़े का जो घाव हो गया उसके लिपाई करो। अब बूढ़ा बांदर जो है तो बड़ा एक्सपीरियंस है, बूढ़ा बांदर ने बोल दिया, अरे सुनो, इतना दिन तक इतना मजा मौज ले लिया, अभी भागो, क्यों भागे। बोले देखते नहीं हो छागल कहीं का, घोड़े का घाव हो गया, आंख जल गया, तो क्या हुआ। अरे अभी बंदर का चर्बी से उसका इलाज होने वाला है, भागो यहां से जल्दी, तुम भागो,
हम नहीं भंगेंगे, राजा खिला खिलाते पिलाते हम कैसे जाए। इतना समझाया, देखो अभी मुसीबत आएगा, अभी राजा का आदमी बंदरों को पकड़े और चर्बी निकाल के वो बल, हम नहीं जाने वाला, अब जाओ जो कुछ भी है। बूढ़ा बंदर ने रोते रोते अपना जो खानदान है इसके लिए रोते, पोती पोता सब है, रोते रोते चला गया, क्योंकि बिना वृद्ध वानर का एक्सपीरियंस था, कुछ होने वाला है जरूर, ऐसा ही हुआ। जाल बिछाकर थारे बंदरों को पकड़ के और उसका शरीर से काट काट कर पूरा चर्बी को निकाल के इलाज का मेडिसिन दवा बनाया। प्रभुपाद ऐसा बोलते थे दुख के मारे, जब मैं प्रभुपाद कहते थे दुख के मारे, प्रभुपाद दुख के मारे कहते थे हम एक वृद्ध बानर है, मेरा बात किसी ने ग्रहण नहीं किया, अब जलते रहो जलते रहो, हमारा साथ क्या लड़ाई करोगे, ज्यादा से ज्यादा करोगे, मेरा कथा बंद कर दोगे, क्या करोगे, हरिनाम तो बंद कर नहीं सकोगे, अब जलते रहो, कोई मानने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं है, चलो जलते रहो, क्या करें हम, जलते रहो। ऐसा विद्व बानरों का जैसे बात कोई माना नहीं, सरस्वती ठाकुर भक्ति सिद्धांत बड़ा दुख के मारे रोते रोते बोलते थे कोई मेरा बात लेने वाला नहीं है, मैं क्या करूं, कोई लेने वाला नहीं है, मेरा बात लेगा नहीं, मैं क्या करूं। चलो एक दफे प्रभुपाद को, प्रभुपाद का अपना भजन, अपना रूम पे महाप्रसाद दिया गया, परमानंद गुरु जी से सुना है, गुरु जी से और पर्वत महाराज जी थे प्रभुपाद का गण, और उसका जन्म ये सुरभि कुंज का सामने सामने ही है, सामने माने जस्ट गोद्रुम में, सुरभि कुंज में ही, अगर कहो विचार करके तो सुरभि कुंज में ही उसका जन्म है, वो ब्रजवासी है। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी से, भक्ति विनोद ठाकुर जी से जैव धर्म सुनते थे, हमारा उदाला का सागर महाराज जी है उसका शिष्य है ये, हाँ ये जो है भक्ति विनोद ठाकुर से, हाँ और क्या कहे, जो बात कहने के लिए उठाए इस बात को, हाँ भूल गया, याद नहीं, अब याद हो जाएगा। तो क्या किया, ऐसे ही बोले धीरे धीरे क्या किया, हाँ उसका मुखारविंद से सुना, याद हो गया, उन्होंने बताया सागर महाराज को, सागर महाराज मेरे को बताया, जब भी मेरा उम्र उतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी जितना सारे उम्र वाले हैं बुजुर्ग, जितना सारे बड़े बड़े साधु महात्मा मेरे को प्यार करते थे और सुनाया करते थे, और मेरा एक्सपीरियंस को मैं बढ़ाता था सुनते सुनते एक्सपीरियंस। अरे एक दफे प्रभुपाद जी अपना भजन कुटीर में बैठ, प्रसाद का रूम में प्रसाद पाते, प्रसाद पाने के लिए परमानंद प्रभु प्रसाद दे दिया, और प्रभुपाद बोले आप प्रसाद पाओ मैं आ रहा हूँ, दरवाजा किया क्यूआर बंद करके दिया, प्रभुपाद किसी के सामने प्रसाद नहीं पाते थे, क्यूआर बंद। और बहुत समय बाद परमानंद बाबू आया, आके देखा प्रभुपाद प्रसाद नहीं पाया, और टकटकी लगाकर बागान है बगीचा का ओर देख रहा है, बगीचा का ओर देख रहा है लंबा समय। परमानंद बाबू से बोले क्या हुआ प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रसाद नहीं पाया, क्या बात है, क्या देख रहे हो बगीचे का ओर, क्या देख रहे हो। प्रभुपाद को प्रश्न किया अब क्या देख रहे हो इतना लंबा समय बगीचे में, क्या है। प्रभुपाद धीरे से कह दिया, देख रहा था, मैं देख रहा था आप लोगों का तकदीर जल गया, मैं देख रहा था कि कैसे आप लोगों का तकदीर जल गया, जल के खाक हो गया। ये बड़ा इतना सच्चा है, इतना सच्चा बात, इतना सच्चा बात प्रभुपाद का ये, अब देखो साबित हो गया कि नहीं, चारों ओर जल गया, क्या रखा है, खाना पीना पॉलिटिक्स और जोशी संग ये रह गया, और पैसा ये रह गया, और क्या रह गया बताओ। ऐसा करके
प्रभुपाद जी ने अपना जिंदगी का दुख भरे नाले सुनाए और ऐसा ही हालत है, कोई सुनने वाला नहीं है। याद है पिछले दिन चर्चा हो रहा था, निर्माण मोहा जित संग दोषा आधत्त नित्वा विनिवित्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमुरा पदमव्ययम्। तो इसका व्याख्या हो चुका है, हम करने वाला नहीं है, फिर भी दो एक शब्दों का। निर्माण मोहा मतलब निर्गतो मानो मोह, जिसका मान मोह मदोमाश्चर्य चला गया, इसको निर्माण मोहा मोह इन्फैचुएशन। और जितसंग दोषा, अरे संसार में रहते हुए, संसार में रहते समय किसका संग करना है किसका संग नहीं करना है इसका नॉलेज पूरा होनी चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर भजन करते रहो करते रहो करते, मैंने मारा इतना भजन किया कुछ नहीं किया। सत्संग का मतलब ये है, सत्संग का मतलब ये है 100% असत्संग का वर्जन। सत्संग का मतलब ये नहीं कि सत्संग भी करे असत्संग भी करे, ऐसा नहीं। सत्संग का मतलब ये है असत्संग को फेंकना। अब ये जो जितसंग दोषा, संग दोष किसने जय कर लिया बताओ, किसने जय कर लिया बताओ हमको। संग दोष एकमात्र परमहंस गुरु वैष्णव जो है ये संग दोष से वर्जित है। क्यों? ये लोग बाहरी, जो बाहरी लोगों का जो संग है, परमहंस वैष्णव का ऐसा संग नहीं है। हर वक्त परमहंस गुरु वैष्णव का सेवा का संग है, सिद्धांत संग और विशुद्ध संग होते रहता है, गुरु वैष्णव का साथ शास्त्र सिद्धांत का संग होते रहते हैं। जितसंग दोषा, इसके द्वारा बताया गया तुम्हारा आपका जो पुत्र है, आपका जो लड़का लड़की है, आपका जो दोस्त है, पिता माता है, भाई बंधु है, पत्नी है, ये जो जड़ संसार का जितना सारा संग है, ये संगों का दोष जो है आपको, अगर आपका हृदय को कंटामिनेट नहीं कर पाए तो अच्छा है, लेकिन ये नामुमकिन है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नामुमकिन है, क्योंकि संग होना ही है। संग मतलब भक्तिमंत को जी बताया पृथ्वी विनिमय, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि अपना लड़का का साथ पृथ्वी विनिमय नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता अपना पत्नी का साथ पृथ्वी विनिमय नहीं हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपना पिता माता का साथ भाई बंधु के साथ, ये होगा ही होगा। झगड़ा है तो अलग बात है, लेकिन ये होना ही है, इससे कोई रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये जो जितसंग दोषा मतलब आप जिस बामन गोस्वामी महाराज का बात और याद आ गया, बामन गोस्वामी महाराज कहते थे मैं इतना हल्ला गुल्ला में भी निर्जन रह सकता, इतना हल्ला गुल्ला चारों ओर, लेकिन मैं निर्जन रहता हूँ, ये कैसे बात है, हैं? ये कैसा बात है। कभी कभी ऐसा कहते थे आई लाइक टू डाई अननोन अनसीन, कोई माँ आदमी मेरे को ना पहचाने, मैं निर्जन चुपचाप चुपके से अपना शरीर को छोड़ना चाहता हूँ, आई लाइक टू डाई अननोन अनसीन। ये वैष्णव निष्किंचन वैष्णव लोगों का बड़ा गहरा विचार है, ऐसे तो वैष्णवी प्रतिष्ठा चलेगा ही, वैष्णवी प्रतिष्ठा तो चलते रहेगा, हैं चलते रहेगा ना, माधवेंद्र पूरी पाद भागते रहते, अरे काल सुबह होते ही मेरे को पकड़ लेगा और प्रतिष्ठा माला चढ़ाएगा, इससे अच्छा तो हम भागे। वैष्णवेर प्रतिष्ठा, प्रभुपाद लिखा है, हमारा किताब भी हो चुका है, एडिटिंग हो रहा है, वो भी पब्लिश होने वाला है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी बहुत। तो ये जो है आपका, ये जो बात ये है, इन निष्किंचन वैष्णव लोगों का एक गहरा रहस्य है, ये इतना संग में, इतना बाहर का आदमी संग में रहने से भी अप्राकृत संग होता है, प्राकृत संग नहीं होता है। श्रील गौरकिशोर दत्त बाबा जी महाराज का चारों ओर
चारों ओर इधर उधर सारे मेटेरियल आदमी बदमाश हरामखोर बदमाश रहते थे। वो क्या कुछ नहीं करते थे, हैं स्त्री संग रात को जशी संग और बहुत सारे दिन पैसा का धंधा, लेकिन वो लोग गौर किशोर बाबाजी महाराज का चारों ओर घेर के रखते थे। ये लोग प्रमाण करना चाहते थे ये परमहंस आचार्य जो है, परमहंस गुरु जो है, ये परमहंस वैष्णव इनके सेवा में लगा हुआ, तो देखे मैं कितना बड़ा हूँ, इनके सेवा में मैं हूँ, इस प्रमाण करने के लिए आजू बाजू में रहते थे। अक्सर प्रभुपाद कहते थे ये लोगों का साथ गौर किशोर, ये लोगों का साथ श्री गौर किशोर दत्त बाबाजी महाराज का जिंदगी में एक बार भी दर्शन नहीं हुआ। क्या कहते हो, गौर किशोर बाबाजी महाराज के साथ रहते थे वो लोग, कैसे दर्शन नहीं हुआ? पर नहीं, प्रभुपाद अक्सर कहते थे ये बदमाश लोगों का साथ गौर किशोर बाबाजी महाराज का दर्शन नहीं हुई, संभव नहीं। क्यों? गौर किशोर बाबाजी महाराज का रक्त मांस का शरीर दर्शन ये दर्शन नहीं है, गहरा विचार है इसमें। तो जित संग दोषा, बाबाजी महाराज के चारों ओर ये दुष्ट बदमाश लोग ने घेर के रखते थे, लेकिन प्रभुपाद कहते थे बाबाजी महाराज तमाम पूरा जिंदगी में ये लोग ग्रहण नहीं किए। जब भी ये लोग प्रमाण करने का चक्कर में थे जो गौर किशोर बाबाजी महाराज हम लोगों का सेवक सेवा ग्रहण करते हैं, देखो कितना बड़ा साधु है हम लोग, परमहंस बाबाजी महाराज सेवा करते हैं हम, ये प्रमाण करने के लिए। प्रभुपाद कहते थे जिंदगी भर ये लोगों का गौर किशोर बाबाजी महाराज ना तो दर्शन हुआ ना कुछ हुआ, कुछ नहीं हो पाया। ये जित संग दोषा का मतलब है चारों ओर से गौर किशोर बाबाजी महाराज घेर के रखे, फिर भी गौर किशोर बाबाजी महाराज अप्राकृत जगत ट्रांसेंडेंटल रियलम अप्राकृत जगत में विचरण करते थे, दुनियादारी का चीजों में इसका कभी लगन नहीं था। चलो हो गया, पिछले दिन हमने या तक चर्चा किया, न तद भाषयति सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ति तद्ध्याम परमम। भगवान अपना विभूति का, भगवान अपना विभूति का बारे में थोड़ा बहुत और कर रहे, कहने का कोशिश कर रहे हैं। ये जो मेरा धाम है, ये धाम को अर्जुन सूर्य चंद्रो और पावक अग्नि प्रकाश नहीं करते, ये सब प्रकाश है। अपना विभूति के बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए भगवान ने बताया, न तद भाषयति सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्याम परमं मम ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हाँ, ये बात का चर्चा हुआ, ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जो मन है और जब इतना सारे इंद्रिया हैं, भगवान कहते हैं ये जो इंद्रिया हैं, ये इंद्रिया जो हैं हमार, कहते हैं हमार सनातन अंश जीव, हमारा सनातन अंश है जीव। सनातन अंश मतलब ये नहीं द काउंटर पार्ट, हमारा सनातन अंश इसका इसका मतलब ये नहीं कि जो जो दोस जीवाज द काउंटर पार्ट ऑफ भगवान, नॉट दैट। भगवान का काउंटर पार्ट नहीं है, भगवान का काउंटर पार्ट संभव नहीं है। पर आई बात समझ में, भगवान का काउंटर पार्ट होना संभव नहीं। बस जीव तत्व के बारे में ये कह सकता है जो एक है बद्ध जीव, एक है मुक्त जीव और विभिन्न अंश जीव और एक है सांश जीव। सांस जीव के द्वारा उच्च कोटि का जो जो जीवात्मा होते हैं ब्रह्मा शंकर आदि हो सकता है, और हमारा सांस जीव, हमारा सनातन अंश, सॉरी
हमारा सनातन अंश जीव जो है प्रकृति में रहते समय भगवान कह रहे हैं ये अर्जुन मेरा सनातन अंश जो जीव है ये प्रकृति का अंतर्गत रहते समय अवस्थित है और पांच इंद्रियों और मन के द्वारा संसार में खिंचावट अनुभव करता है। वो कैसे इसका बारे में चर्चा हो चुका। कर्म भूमि आकर्षण क्योंकि तत्वस्था जीव है, ऐसा करके चर्चा किया। और मायावादी लोग नाजायज फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं। और नवजोगिंद्र संवाद में ये श्लोक चर्चा हो चुका बहुत बार। क्या चर्चा है? भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्वात् ईशाद अपदृश्य विपर्य स्थिति ही तन्मया तो बुधो अतो बुधो आभजत्वाम भक्तिक एशम गुरुदेव तात्मा। इस श्लोक का बहुत बार चर्चा हो चुका। हमारा अगर दूसरा अटेंशन, हमारा जो अद्वैय ज्ञान तत्व, इससे अगर मन हट गया, अद्वैय ज्ञान तत्व माने यूनिक तत्व है, उसमें से अलग अलग तत्वों का दर्शन होना शुरू करते हैं, ये बड़ा भारी मुश्किल है। भयम द्वितीय विनिश्चय, क्योंकि हमारा अटेंशन अगर अद्वैय ज्ञान तत्व में नहीं रही तो दूसरा तत्व आ जाएगा हमारा सामने, और ये है माया का दर्शन है, उसमें अगर लगन लग जाए तो मेरा जिंदगी बेकार हो जाएगा, तो मेरा जिंदगी बेकार जाएगा। इसलिए भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है भयम द्वितीय अभिनिवेशतः सत्, क्या लिखा? भयम द्वितीय अभिनिवेशतः सत् ईशत अपतस्य विपर्य स्थिति ही तन्मया अतो बुधो आभजत्वम भक्तिक एषम गुरुदेवतात्मा। कैसे कैसे गुरु जी का सेवा करने से, गुरुदेवतात्मा होकर गुरु जी का सेवा करने से, और दूसरा जो अटेंशन जिसके लिए भय डर पैदा हो गया, ये द्वितीय अभिनिवेश, इससे छुटकारा मिलेगी। चैतन्य चतुर्मिति में बताया कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतः माया तारे देह संसार आदि धूप, कभू स्वर्गे उठाए कभू नरक डुबाए दंडत जने राजा जनो नदीते चुबाए। कभी वो राजा बनता है, कभी स्वर्गे उठ स्वर्गे जो स्वर्ग में जाता है और खीने पुण्य मत्तलोकम विसंधी हो जाता है, कभी अपना कर्मफल के अनुसार स्वर्गलोक में जाओ और कभी नरक में जाओ। और जैसे राजा पनिशमेंट देने के लिए कभी हमको स्वर्ग में इधर उधर अच्छा जगह भेजता है और नरक में भेजता है। कबू स्वर्गे उठाए कबू नरक डुबाए दंड जने राजा जनो नदी से चुबाए। जो आदमी को पनिशमेंट देना चाहता है, राजा ऐसा भी कर सकता है कि उसको लेके पानी का नदी का पानी में चुबाओ, डुबाओ और उठाओ, डुबाओ और उठाओ। जैसे बोली महाराज जी रावण को सागर का पानी में पुछवा में बैठकर चुबाया था पानी में, है रावण का हालत खराब, रावण रामायण में आता है ये प्रसंग। तो ऐसा है, कभी स्वर्ग में उठाए कभी नरक में ले जाए, और जैसे शास्ति देने के लिए राजा कहीं भी ले जाए मेरे को, ये हो सकता है। और चैतन्य महाप्रभु का कहना है साधु शास्त्रों की पाए यदि कृष्णोन्मुख है, साधु और शास्त्रों को कृपा के द्वारा अगर बाई चांस भगवान संतुष्ट हो गया, हो भी सकता है धाम परिक्रमा कर लिया अनजाने में हो गया संतुष्ट, सो साधु शास्त्रों की पाए साधु और शास्त्रों का कृपा के द्वारा अगर कृष्णोन्मुख कृष्णों का सेवा का इच्छा पैदा हुई हो जाता तो सही जीव वही जीव को निस्तार रेहा मिलता है, उसी जीव को ही रेहा मिलता है और माया उसको छोड़ के चली जाती है, उसको छोड़ के चली जाती है ऐसा।
उसके बाद हमने बताया कि भगवान नौ तद भाषा तो सूर्य इसके द्वारा भगवान अपना विभूति का थोड़ा बहुत खुलासा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत है तो हरि अनंत, हरि का विभूति अनंत है। उसके बाद हमने चर्चा करके दिखाया था सात नंबर श्लोक तक हुआ था पिछले हफ्ता, मामई वंश जीवलो के जीवभूत सनातन मन षष्ठानींद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, मेरा ही अंश जो है ये जीवात्म जीव जो है, जब जबकि मेरा ही अंश है ये मैटर में मेटेरियल जगत में आकर्षण करना नहीं चाहिए था लेकिन खिंचावट अनुभव करता है, क्या करूं। ऐसा करके विभिन्न अंश प्रकाश से हमारा परमेश्वर अहम, हमारा परमेश्वर अहम विभिन्न अंश प्रकाश में, भगवान कह रहे हैं कि विभिन्न अंश प्रकाश में हमारा परमेश्वर परमेश्वर अहम तत्व रहता नहीं है। और विभिन्न अंश जीव तो तत्व स्वरूप जीवे द्वितीय दशा नित्य मुक्त और नित्य बद्ध, ये बताया था नित्य मुक्त कैसे कैसे गोलोक धाम में सेवा में रहते हैं और नित्य बद्ध जो है नित्य बद्ध अवस्था में हैं और कैसे माया का प्रभाव से माया का ओर खिंचावट कर अनुभव करते हैं और कभी कभी भगवान का ओर भी खिंचावट महसूस करते हैं, ऐसा हो सकता। अब ऐसा है, अब विचार ऐसा है, मायावादी लोगों को थोड़ा सबक सिखाना है क्योंकि क्योंकि गोलोक धाम में वैकुंठ धाम में भगवान का स्वरूप, भगवान का मापिक स्वरूप चतुर्भुज चतुर्भुज रूप धारण करके रहते हैं वृंदावन, बहुत सारे प्रमाण है। थर्ड तीसरा स्कंध में, तीसरा स्कंध में जय विजय के उपाख्यान में देखो। और ऐसा है वो लोग जीव है भगवान के इच्छा से जय विजय मुक्त पार्षद है भगवान का, हर प्रकार सेवा करते रहते हैं भगवान के इच्छा के अनुसार, भगवान इच्छा करके उसको भेजा, इसका पतन नहीं है। पतन पकड़ो तो भगवान का ये जो सिद्धांत तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान का संकल्प से ये हुआ है। अद्वैतवादी जो है ये लोग कहते हैं कि जीवों का अंदर में ब्रह्म का ही अंश है। मायावादी का कहना है कि जीवों का अंदर में तो ब्रह्म का ही अंश है। जैसे घटाकाश महाकाश, जैसे आपका सामने मिट्टी का बहुत घड़ा है, मिट्टी का बहुत सारे घड़ा आपने रखा है और अगर मिट्टी का घड़ा का अंदर देखो तो यू कैन फाइंड डिफरेंट स्पेस। ये जो अंदर में जो जगह है, ये अंदर में क्या है, ये घड़ा का अंदर में घटाकाश, घट का अंदर में आकाश, और घट को एकदम चूर चूर बना दो जो घटाकाश है महाकाश बन गया। ये लोग का विचार ऐसा है, ये लोग का कहना है जे हर देवदारी जीवों का अंदर में जो ब्रह्म का ही अंश रहता है, बाकी संसार झूठा है कुछ नहीं है ऐसा बताओ। और ये प्रतिबिंब है, ब्रह्म का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, ये लोग का विचार है। जले प्रतिबिंब घट जले नाश करे जमन घटाकाश जला जलाकाश, ऐसा करके विचार बताया। लेकिन मामई वंशो ये उक्ति के द्वारा हे मायावादी कान खोलकर सुन लो, भगवान ये मामई वंशो मामई वो हमारा ही अंश है। ये जो मामई वंशो मतलब मेरा ही अंश है, इसके द्वारा मायावादी हे मायावादी
आप विचार करो मामैव अंश ऐसा बताने से भगवान और जीवों का जो डिफरेंट आइडेंटिटी अर्थात द्वैत कंसेप्शन आता ही है, इससे कोई रिहा नहीं है, इसका कोई रास्ता नहीं है, मान नहीं पड़ेगा। और दूसरा एक बात है, ब्रह्म व्यापक वस्तु है, चाहे जितना भी अपने शास्त्र पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, कॉमन सेंस तो जरूर होनी चाहिए। ब्रह्म व्यापक वस्तु है, हाँ कि नहीं, आई बात समझ में? ब्रह्म तो व्यापक वस्तु है महाराज, हाँ व्यापक वस्तु है। तो व्यापक वस्तु का, व्यापक वस्तु का जो प्रतिफलन है मिरर में, ये संभव नहीं, आई बात समझ में? व्यापक वस्तु प्रतिबिंब, व्यापक वस्तु का प्रतिबिंब कभी भी संभव नहीं, क्योंकि व्यापक वस्तु तो व्यापक है। आसमान का पिक्चर देख लिया, उसमें चांद सितारे सारे देख लिया, इट इज वन पार्शियल एक्सप्रेशन कि, लेकिन ब्रह्म वस्तु अनंत वस्तु है, ब्रह्म वस्तु कोई जन्म लेने वाला वस्तु नहीं है, शाश्वत हो पुराण। तो ये ब्रह्म वस्तु का जो प्रतिबिंब है बिल्कुल सरासर गलत है, ये ब्रह्म वस्तु का जो पिक्चर है, जो प्रतिबिंब है, जो कंसेप्शन है, ये सरासर गलत है, क्योंकि ब्रह्म वस्तु हरि अनंत, हरि रूप अनंत, ब्रह्म कोई नापने वाला चीज नहीं है, ब्रह्म अनादि आदि, और ब्रह्म का प्रतिबिंब संभव नहीं है। ब्रह्मो का प्रतिबिंब अगर कहो कि आकाश आसमान का प्रतिबिंब, टोटल इन्फिनिटी आकाश का प्रतिबिंब संभव नहीं। आकाश का प्रतिबिंब मतलब या पार्शियल एक्सप्रेशन, पार्शियल रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब, उसका मतलब चांद सितारे ये सब देख के तैयार कर लिया, चांद सितारे ये सब देख के तैयार कर लिया, हाँ आसमान का प्रतिबिंब देखा है, लेकिन आसमान अनंत है। और इसका व्यवच्छेद डिसेक्शन, इसका व्यवच्छेद बट डिसेक्शन संभव नहीं। आसमान कोई ऐसा वस्तु नहीं, अब ब्रह्म व्यापक वस्तु है, अब व्यापक वस्तु अनादि वस्तु, व्यापक वस्तु का कोई प्रतिबिंब नहीं हो सकता। हे मायावादी, आपका विचार सरासर गलत है। अगर ऐसा आप जोर जबरदस्ती करो तो भगवान का जो भगवत उक्ति मावई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, इसका खिलाफ हो जाएगा, इसका खिलाफ हो जाएगा। अब समझ भी नहीं, सोच भी नहीं सकते। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, अब तक बलदेव विद्याभूषण का जो बलदेव विद्याभूषण जो विचार है उसके आधारित, इसके आधारित विचार पर हमने चर्चा किया। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती बात जो है कह रहे हैं, तो दिया भक्ति के द्वारा संसार अतिक्रम करके तत्पदगामी तत्पदविगामी जीव कौन होते हैं, ये जीव क्या है, कौन होते हैं, कि त्वदीया भगवान आपका भक्ति के द्वारा संसार चक्र अतिक्रम करके और आपका पदवी चरण को प्राप्त करें। और पहले अध्याय में बता दिया, एकमात्र भक्ति योग के द्वारा भगवान का रहस्य को जाना जाए। तो ये जो बताया गया ममैव अंशो, इसके द्वारा ये नहीं समझना कि बेकार बात है। ममैव अंश में अंश, लेकिन शक्ति का अंश, भगवान का जो अंश है ये शक्तांश, जीवात्मा जो भगवान का ततस्था शक्ति है, जीवोग्राम सब जो है ये ततस्था शक्ति, मतलब भगवान का शक्ति का अंश है, पार्शियल। जैसे चित शक्ति भगवान का कंप्लीट शक्ति, ये हमारा करने का नहीं है, ये भगवान का व्यवस्था है, हम क्या करें, भगवान का ऐसा ही अरेंजमेंट है। भगवान का जो चित शक्ति है वो पूर्ण शक्ति है, और भगवान का जो ततस्था शक्ति है, जीव शक्ति है, ये इम्पार्शियल एक्सप्रेशन, ये हमारा करने का नहीं है, भगवान की ही व्यवस्था। ऐसा करके भगवान ने बताया, जे कभी भी
जीवों को व्यापक नहीं मानो। भगवान व्यापक है, जीव व्यापक वस्तु है। भगवान मायाधीश है, जीव मायावश है। मायाधीश मायावश ईश्वर जीव भेद महाप्रभु कह रहे हैं। मायाधीश है भगवान और मायावश है जीव। मायाधीश मायावश ईश्वर जीव भेद है नो जीव ईश्वर सह कहतो एवत सर्वमटे जुगो में। महाप्रभु क्या कहना चाहते हो? महाप्रभु ने कहा मायाधीश भगवान है और माया से कबलित है ये ईश्वर है। तो मायाधीश मायावश ईश्वर जीव भेद ऐसा मापिक जो क्षुद्र जीव है, ऐसा मापिक जो क्षुद्र जीव है इसका साथ भगवान को समान मानना चाहते हो? है क्या बात है? है नो जीव ऐसा मापिक जो क्षुद्र जीव है इसका साथ भगवान को एकाकार मानना चाहते हो? एक ही है, ये कैसा बात है आपका विचार? ऐसा करके विचार करके देखा, अगर कोई उपनिषद का ये बात उठा के बोले सर्वम खलुदम ब्रह्म तत्त्वमसि पवित्र, ये दो चार शब्दों को सर्वम खलुदम ब्रह्म तत्त्वमसि जीवो ब्रह्म इव न परः, दोज आर कॉल्ड द लोकल कंसेप्ट, लोकल कंसेप्शन। एक एक श्लोक को उठाया गया मायावादी लोग और उसको आधारित बनाकर अपना फिलोसॉफी को रिप्रेजेंट किया। इस टोटली सरासर गलत है, ये सही हो ना सकता। सर्वम खलिदम ब्रह्म अगर कहा भी गया तत्त्वमसि, इसका माने समझ नहीं चाहिए। सर्वम खलिदम ब्रह्म मतलब जो कुछ भी है दिखाई पड़ता है सब ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म छोड़ के कुछ नहीं है। और तत्त्वमसि इसका व्याख्या ऐसा होनी चाहिए तस्योतमसि, तस्योमसि माने तत्त्वमसि तत्त्वमसि ये आप हो, आप ब्रह्म हो, ऐसा मायावाद का विचार है। मायावाद का विचार कैसा है? तत्त्वमसि तत्त्वमसि तद्वस्तु परम वस्तु त्वम आप ओषि आप हो, ऐसा करके विचार बता के दिखाया। ब्रह्म निर्गुण वस्तु है लेकिन हमारा सृष्टि का अंदर में, हमारा सृष्टि का अंदर में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो गुणाती भूमिका में है, ये यूं समझो। गुणाती भूमिका में कौन है? कैसे कैसा है? कंटामिनेशन है। सर्वव्यापक ओमनीप्रेजेंट ये जो है इसके द्वारा ब्रह्म को सर्वव्यापक भगवान सब जगह, ये अचिंत शक्ति के द्वारा भगवान जुगपत साइमल्टेनियसली कैन स्टे हियर एंड देयर संभव है। आकाश जो है जातो दुर्बो है, जब भी वो खराब हो जाता है आकाश जातो दुर्बो परिणाम विशिष्ट, आकाश जातो दुर्बो लेकिन ब्रह्म जातो बुद्ध नहीं, जातो दुर्बो नहीं है। जब पैदा हुआ वृद्धि हुई फिर तत्व हुई, ऐसा मापिक भेद मत करो, ये मत दूषित है। जीवगोस्वामी पाद जी ने दिखाया तत्व विचार करके, बलदेव विद्याभूषण ने भी बहुत कई तरीका से विचार करके दिखाए, ये सरासर गलत है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ब्रह्म व्यापक वस्तु है, जीव कभी भी ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का अंश है, कभी भी ये हो ही नहीं सकता। बहुत सारे श्लोक भागवत में भी है, उसमें प्रमाण होता है जे जीव आत्मा कभी भी व्यापक हो नहीं सकता। लक्ष्मण ठाकुर का कहना है मरने का बाद, लक्ष्मण ठाकुर का कहना है
Bhaktivinoda Thakur kehna hai, Bhaktivinoda Thakur ka kehna hai bahut. Bhaktivinoda Thakur ka ye kehna hai, je jodi agar batao, Bhagwan keh rahe hain, Bhaktivinoda Thakur ka explanation, jaise ki mano ki Bhagwan keh rahe hain, he Arjun, jodi agar kaho, जीव एवं भूत द्विपुका दशा की रूपये जीवों का बद्ध और मुक्त ऐसा दशा कैसे हो सकता है। तो फिर मैं कह रहा हूं, सुनो, मैं पूर्ण सच्चिदानंद भगवान हूं और हमारा अंशो दो किस्म का होता है। भक्तिमय डर का व्याख्या, हमारा जो अंश है ये दो किस्म का है, एक सांश है एक विभिन्न अंश है। सांश धीरे धीरे राम नृसिंह आदि रूपे लीला करते रहते हैं और विभिन्न अंश क्रमें नित्य किंकर रूप जीवे प्रकाश नित्य कैंकर्य जो नित्य कैंकर्य जो रूप में जीवों का प्रकाश है। सांश प्रकाश में मेरा अहं सांश प्रकाश में हमारा अणु सांश प्रकाश में हमारा अहम तत्व संपूर्ण रूपे रहता है। विभिन्न अंश प्रकाश में हमारा परमेश्वर अहम तत्व रहता नहीं है, लेकिन जीवों के अंदर में रहता है क्योंकि अहम तत्व वहाँ अहम तत्व ये नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बंधा हुआ जो इसमें कि ऐसा नहीं, क्योंकि वो भगवान भगवान का सांश प्रकाश में जीवों का अहम का तत्व छोड़कर वो रहता है भगवान। और आठ नंबर श्लोक में सात नंबर श्लोक का चर्चा हो पाया, थोड़ा समझ लो। सात नंबर मामई वंश जीवो लुके जीवभूत सनातन मन षष्ठांद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती, इसका व्याख्या पिछले सप्ताह भी हो गया। मामई वंश कैसा है, कैसे ये है ना मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती कैसे हो सकता है, इसका बारे में प्रकृति का अंदर में मेरा अंश है, ये सब जीव मेरा अंश है, लेकिन प्रकृति का अंदर में रहते हुए ये उल्टा हो गया। हमारा सनातन सनातन अंश जीव प्रकृति में अवस्थित होकर कुछ बिगड़ा हुआ जैसा लगता है, उल्टा। पांच इंद्रियो ग्राम और मन मन और पांच इंद्रियो ग्राम अर्थात कर्मभूमि में आकर्षण खिंचावट अनुभव करते हैं। जो भी है चलो, और जीव गोस्वामी पाद का एक अनोखा दान है अचिंत भेदाभेद तत्व और परकिया और सकिया, अभी अंग्रेजी कथा में चर्चा हो रहा था, सकिया इटर्नली ट्रू परकिया ऑल्सो ट्रू, इसमें कोई भेद नहीं है, ये समझने का समय गलत समझने का दोष है। हाँ, अभी कह रहे हैं आठ नंबर श्लोक में कह रहे हैं जे शरीरम जद अवापनोति जच्चापि उत्क्रामो त्विम ईश्वरः गृहीत्वैतानि संजाति वायु गंध्या निवासयात्। क्या कह रहे हैं, शरीरम यद अवापनोति जच्चापि उरुक्रामतिमीश्वरः शरीरम यद मवापनोति जच्चापि उत्क्रामतमेश्वरः गृहीत्वैत्वानि संजाति वायुगंधा निवासयत्। क्या बताया, शरीरम जद अवाप्नोति जच्चापि उत्क्रमतामीश्वरः गृहीत्वैत्वानि संजाति वायुगंधो निवासयत्।
कहने का मतलब है, कहने का मतलब है ये शरीरधारी जीव, कहने का मतलब है ये शरीरधारी जीव अपना शरीर को छोड़ने का साथ साथ क्या करते हैं, बोले अपना शरीर तो छोड़ देते हैं, अपना शरीर को छोड़ने का बाद अपना शरीर को छोड़ते हैं, अपना शरीर को छोड़ने का बाद एक जैसे कोई उद्यान से बगीचे फूलों का बगीचे से फूल का गंदगी जो है, फूलों का जो गंध है सौगंध है जैसे वायु के द्वारा प्रवाहित होकर आप तक पहुंचता है, ये जो आप तक पहुंचता है कैसे पहुंचता है, बगीचे में फूल खिले हुए हैं और वायु के द्वारा ये जो है बगीचे में फूल खिले हुए हैं और ये बगीचे का जो फूल है इसका जो सौगंध है और ये बातास वायु के द्वारा संचालित होकर मेरा तक पहुंचता है, तब हमको मालूम पड़ता है यहाँ फूल है बगीचे में, यहाँ वहाँ फूल है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताएं, अर्जुन शरीरम जद अवापनोति जद चापी उत्क्रामतमीश्वर गृहीतानि संजाति वायु गंधा निवासयत। देहोधारी जीव शरीर पकड़े हुए जो है ये जीव जब शरीर ग्रहण करता है तो दिखाई पड़ता है शरीर ही, और जो शरीर से निकल के चलते हैं मर जाते हैं ये भी निकलते हैं, और बाहर से घुसने के समय में दूसरा किस्म के देहोधारी जीव देहोस्वामी जीव जब कोई शरीर में प्रविष्ट होकर शरीर को ग्रहण करता है भगवान की इच्छा के अनुसार अपना कर्मफल का अनुसार, ईश्वर दे ईश्वर तो ईश्वर ये जो है ईश्वर ये भगवान का नाम है ऋषिकेश, भगवान का दूसरा नाम है ऋषिकेश क्यों, क्योंकि तमाम इंद्रियो ग्राम जो है ये अल्टीमेटली अंडर द कंट्रोल ऑफ भगवान। जब भी जीव अपने को लिबर्टी मानता है साधीन मानता है फिर भी अल्टीमेट कंट्रोलिंग इज इन द हैंड ऑफ भगवान, भगवान का हाथों में है अल्टीमेट कंट्रोलिंग भगवान, क्योंकि कर्मफल कौन देगा। ठीक है जीव चलो अपना मनमानी काम कर रहे हैं लेकिन जो कर्म कर जैसा करनी ऐसा भरनी, तो कर्मफल जो देने वाला तो भगवान है, तो अल्टीमेटली जितना भी कहो चीखो चिल्लो कंट्रोलिंग इज इन द हैंड ऑफ भगवान रिमोट कंट्रोल। शरीरम जद अवाप्नोति जद चापि उत्क्रमतमीश्वरः गृहीत्वैत्वानि संजाति वायु गंधान निवासयत। जैसे पुष्पों का सौगंध जो है वायु का द्वारा संचालित होकर हमारा अनुभव में होता है, अनुभव में आता है, ऐसा मापिक जीवात्मा भी अपना कर्मफल को लेकर अपना कर्मफल और इंद्रियोग्राम का जो लेटेस्ट हैबिट डेवलप हुआ समझ में, इतना जीवन जिंदगी बिताया इसमें जो संस्कार पैदा हुआ ये संस्कार जीवों का साथ जाएगा। जीव जब निकल के शरीर से जा रहा है तब ये स्थूल और शरीर छोड़ के जीवात्मा क्या करता है पूरा दूसरा जोनी में चला जाता है। ये जो जीव का जो अपना शरीर है स्थूल शरीर ये कर्मफल का अनुसारी होता है, अपना कर्मफल जैसा ऐसा शरीर पकड़ के उसी बातों में क्रियाकर्म में व्यस्त रहते हैं, और ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर पकड़ने के लिए अगर जा रहा है तो शरीर संबंधिनी कर्म वासना
या तो संस्कार को लेके ही जाता है। ये जीवात्मा जो है पहले भी कई बार कह चुका सूक्ष्म भूत सहकारे एक टी स्थूल शरीर एक मोटा ग्रॉस बॉडी दूसरा है सूक्ष्म शरीर जो इंद्रियगण का अंडर का कंट्रोल में है इसको सूक्ष्म शरीर माना गया। और ये जीवात्मा कैसे कैसे भोग एंजॉयमेंट करते रहते हैं अगर कोई पूछे ये जीवात्मा जो है ये जीवात्मा कैसे भोग करते रहते हैं क्योंकि आपने बताया कि जीवात्मा सनातन चिन्मय है। हाँ बोला लेकिन अभी माया का गोदी में है। इसी अवस्था में पहले श्लोक में बताया माया का द्वारा प्रभावित होकर मन और पंचकर्मेंद्रियों अर्थात छ ये जड़ जगत में आकर्षण भोग करता है। और ये मेटेरियल एंजॉयमेंट कैसे करे एक तो बात है माया का प्रभाव के द्वारा अपना मार्केट जमाया दूसरा बात है शत्रु चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायं मनश्चायं विषयानु उपोषेवते। क्या बताया गया श्रोत्रं चक्षु अर्थात श्रवणेन्द्रियो चक्षु दर्शनेन्द्रियो स्पर्शेन्द्रियो त्वचा रसनेन्द्रियो घ्राणेन्द्रियो और उसका साथ मन टुगेदर विद द माइंड ये अधिष्ठाता मनश्चायं विषयानुसेवते। मन तो है ही है मन के द्वारा विषय का जो फील्ड है पांचाल क्षेत्र विषय का जो फील्ड है इसी में मन के चैरियट मन का रथ में बैठकर सवार होकर जीवात्मा जा रहा है लेकिन ये विषय को भोग करने के लिए जीवों का चक्षु जरूरी है कर्ण जरूरी है नासिका जरूरी है जीवा जरूरी है त्वक और मन सारे जरूरी है। क्यों एक के अलावा दूसरा होता नहीं क्या करें एक के अलावा दूसरा कैसे हो क्योंकि एक एक इंद्रियों जो है एक एक वस्तु भोग करने का स्पेशलिस्ट ऐसे चक्षु रूप दर्शन करने का स्पेशलिस्ट है कर्णों जितना सारे मटेरियल साउंड सुनने का एक्सपीरियंस है इसका नासिका कर्णों सारे जो इंद्रिय ग्राम है एक एक एक्सपर्ट है। और बद्ध जीव जो है ये इंद्रियों का सहारे लेकर इंद्रिया का जो जितना सारे इंद्रिया हैं इनके सहारे लिए और मन को दबा के रखा मन के साथ चलता है। और ऐसे विषय का फील्ड पंचाल क्षेत्रों चारों ओर जो विषय है ये विषय को भोगने के लिए दौड़ता है। और भोगने का बेसिक चीज बहुत बार कह चुका है शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोगने का चीज एक ही है शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच ये बेसिकली ऑल यही जीव चक्र भक्ति मित्र कह रहे हैं दूसरा स्थूल शरीर लाभ करके ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लाभ करके श्रवण दर्शन स्पर्शन रसन और घ्राण इत्यादि के द्वारा बाह्येन्द्रियों ओ मन को सिक्स इंद्रियों षडेन्द्रियों मध्यजीव के विश्वास में सेवा करने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए नौवां श्लोक में लिखा है श्रोत्रोन चक्षु स्पर्शनंच रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठायो मनश्चायं विषयानुपोषेवते। यही जीव चक्षु कर्ण नासिका जीवा तचो मन को आश्रय लेकर शब्द आदि विषय समूह को भोग करते रहते हैं। इसके कोई रास्ता नहीं है और दूसरा रास्ता नहीं है। शत्रुं चक्षु
sparsancha rasanam ghranamevacha adishthayo manaschayam vishayanupasevate. Aise vishay bhog karte rehte hain. Aise vishay bhog karte rehte hain. Chalo. Dusra sharir pakadne ka baad bhi ye indriyon ke dwara ye man ka sanskar ke dwara tamam vishay ko bhog karte rehte hain. फिर भी डिटैचमेंट नहीं पैदा होती. जैसे अभी उदाहरण दिया ना वृद्ध बानर का उदाहरण. कहा करे और उत्क्रमंतम, ध्यान से सुनो, उत्क्रमंतम उत्क्रमंतम स्थितम बापी उत्क्रमंतम स्थितम बापी भुंजानम बाग गुणान्वितम विमुड़ा नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषः. जो अविवेकी है, जिसका अंदर में विवेक नहीं पैदा हुई, अविवेकी मुड़ सकल शरीर से दूसरा शरीर पकड़ने के समय देहों से शरीर से देहांतर, ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर को लेने के लिए जा रहा है, उस समय ये शरीर अथवा ये शरीर का अंदर में रहते समय, ये शरीर का अंदर में रहते समय क्या बताया, विवेकी मूढ़ लोग, विवेकी मूर्ख लोग शरीर से देहांतर दूसरा शरीर में जाने का समय बादेह अवस्थान समय किंबा विषय भोग का समय इंद्रियादि समन्वित ये जीव को देखने में समर्थ नहीं है. ये तत्वज्ञानी व्यक्ति छोड़कर दूसरों को समझ में नहीं आता, ये जीव शरीर छोड़ दिया कैसा. देखो जब मैया का कोख में था तब तो दिखाई नहीं पड़ा. मैया का कोख में आने का पहले डॉक्टर चेकअप भी करे तो कुछ मिले नहीं. लेकिन धीरे धीरे देखा गया क्या हुआ, बल्ले धीरे धीरे देखा गया ये कैसे जीव एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर के अंदर जाते हैं और विषय भोग का समय में कैसा मन और इंद्रियोग्राम को लगाकर टकटकी लगाकर अपना विवेक के बारे में सोचता ही नहीं. अब विवेक इतना कम है जो देख नहीं पाता, लेकिन तत्वज्ञानी व्यक्ति जो है उसको सारा के सारा समझ में आता है. ये महाराज ऐसे हुआ है, ऐसे आया है, ऐसा इसका अब इसका जो कर्मफल है ये है, फलाना है, ऐसा करके वो लोग दिखाएगा. सो तत्वज्ञानी पुरुष ये जान सकता है, बाकी आदमी इसका रहस्य जो है शुद्ध ज्ञाननिष्ठ और ये विचार समूह जो है करके यही निर्णय लिया. जीवों का बद्ध दशा जो है, जीवों का जो बद्ध दशा है ये जीवों का लिए बड़ा क्लेशदायक है. भक्ति में ठाकुर कह रहे हैं उत्क्रमांतम उत्क्रामंतम सितम व्यापी भुंजानम बा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुष. जो मूढ़ है देख नहीं सकता, जो मूढ़ है देख नहीं सकता वो क्या करे, और चक्षुष्मान व्यक्ति ये भी क्या करे, क्योंकि उत्क्रमंतम स्थितम व्यापी उत्क्रमंतम उत्क्रमण समय और रहते समय उत्क्रमंतम स्थितम व्यापी भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष. ज्ञानी व्यक्ति छोड़कर तत्वज्ञानी पुरुष छोड़कर ये जो जीवात्मा का ये जो देहांतर में जाना है सब जो रहस्य है
ये तत्वज्ञानी पुरुष छोड़कर किसी को मालूम नहीं होगी, समझ नहीं पाएगा और समझ नहीं मिलेगी ऐसे। विषय ऐसे भोगा जाए, बाद में जो श्लोक बताया उत्क्रमंतम स्थितम व्यापी भुंजानम बा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख 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 लोक बुका लोक जो है देख नहीं सकता, एकमात्र तत्वज्ञानी दिव्य चक्षु वाले जो आदमी है ये देख सकता, अभी कोई नहीं। जतन्तो योगिनश्चैव पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतस्तो ओपि अति। क्या लिखा है? जतन्तो योगिनश्चैव जतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्। क्या लिखा है? यतन्तो जतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्। यतश्चो ओपि अकृतात्मनो नैवं पश्यन्ति अचेतसः। क्या लिखा है? लिखा है जतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतःस्तो ओपि अकृतात्मनो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। चेष्टाशील यततो मतलब चेष्टाशील, यततः चेष्टाशील योगिनः योगिगण च आत्मनि आत्मन ये शरीर के अंदर रहते समय अवस्थितो एवं आत्मा को अवस्थितम एवं ये आत्मा को दर्शन कर सकता है। अप्राकृतात्मा जतमान योगी जो चेष्टा परायण योगी जो बद्ध जीवो एरू गोति भक्तों ने कह रहे हैं बहुत चेष्टावान जतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् और यतन्तो ओपि अकृतात्मनो नैनम् पश्यन्ति अचेतसः। जतमान योगीगण जो लोग चेष्टा परायण हैं ये शरीर में रहते समय आत्मा को दर्शन करते रहते हैं तत्वज्ञानी, और अशुद्ध चित्तो अविवेक जिसका कोई विवेक नहीं पैदा हुई जानवर का मापी जंगल जंगली जानवर का मापी अशुद्ध चित्तो अविवेकी गण जो है चेष्टा परायण होकर ये समझ पाता कि ऐसा रहस्य है, क्योंकि तत्वज्ञान अनुभव में आता है लोगों का। जतमान योगीगण बद्ध जीव ऐसे बद्ध जीव गोति आत्मतत्व में ही अवस्थित हो, इसीलिए ये टेस्टफुल डेकोरेशन। क्या जतमान योगी बद्ध जीवों का ये जो आना जाना जो है यतमान योगी सकल है ये बद्ध जीवों का जो गोति है आत्मतत्व के द्वारा अनुभव करते रहते हैं। और अशुद्ध चित्त ज्योति सकल जिसका का मैच्योरिटी नहीं है ये चित्त तत्वों में आलोचना करने से भी भावी ये जीवात्मा का तत्व अनुभव में इनको नहीं आता, अनुभव नहीं कर पाते। यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्वात्मनि अवस्थितम् यतन्तो ओपि अकृतात्मनो नैनं पश्यन्ति अचेतसः।
ऐसा करके बताया। और याद भी है उपनिषद का, बहुत बार पहले भी चर्चा किया, जो कोई ऐसा बात नहीं है कि हर आदमी आत्मा को दर्शन कर लेंगे, कैसे संभव है? हर आदमी आत्मा तत्व को जान नहीं पाते, ये तो स्वाभाविक है। बहुत बार कह चुका है इस तत्व जो है, बहुत बार नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहु न श्रुते न जमे मैष विणुत तेन लभ्यो तस्वैश आत्मा विणुत दोनों श्याम, ये आप जानते हो। और एक कठोर कठोपनिषद का और एक श्लोक है, कठोपनिषद का और एक श्लोक है, कठोपनिषद का और एक श्लोक है, बहुत पहले हमने चर्चा किया था, याद है आपका, सवर्णा पी बहुवीर यो न लभ्य श्रृणंत योपी बहुभ यम न विदु आश्चर्य वक्ता कुशल लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशला निशिष्ट। ये आत्मा को जानने वाले बहुत कम हैं। आत्मा जानने वाले कोई अगर तत्वविद मिला भी है तो ग्रहण करने वाला तो बिल्कुल नहीं है। आई बात समझ में? अगर आत्म तत्वविद कोई मिला लेकिन इसका ग्रहण करने वाले कहाँ हैं? नहीं है ना। इसीलिए नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहु न सुते न जमे मईश वृणुत तेन लभ्यो तस्वैश आत्मा विवृणुत दोनों। जिसको परमात्मा अपना बोल के ग्रहण करते हैं उसका ही सामने ये तत्वज्ञान को उन्मोचित कर देते हैं, उसका पहले नहीं। और ऐसा भी होता है, बहुत सारे व्यक्ति तत्वज्ञान के बारे में श्रवण किया लेकिन श्रवण करने से ही समझ में आएगा ऐसा कोई नहीं। श्रवणायापि बहुवीर यौन लभ्य, श्रवण करने का बावजूद भी श्रवण नहीं आया। अश्रृणन तो योपी बाबू न विदु, ये आत्मा अनेक श्रवण गोचर होता ही नहीं। श्रवणायापि बहुवीर यौन लभ्य, सुनने के लिए मिलता ही नहीं, श्रवण सुनने के लिए मिलता ही नहीं। अगर मिल गया तो फिर सुना भी है लेकिन अनुभव में नहीं उतारता है। क्यों? ये आत्मा का तत्वविद उपदेष्टा सुदुर्लभ है। अगर उपदेष्टा बाई चांस मिल भी गया लेकिन इसका ग्रहण करने वाले हु कैन एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करने वाले तो कोई होनी चाहिए ना। सवर्णायापि बहुवीर यौन लभ्य श्रृणंत योपी बहवो यम न विदुः आश्चर्य वक्ता कुशल लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। हो गया, आई बात समझ में? तो इसलिए श्रीमद् भागवत जी महापुराण में उद्धव जी को कृष्ण भगवान ने उपदेश किया, तस्माद् गुरुम प्रपद्येत तस्माद् गुरुम तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। ये सब बातों को समझना है, अनुभव करना है, नहीं तो बड़ा मुश्किल, कैसे क्या होगा ये संभव ही नहीं है। ऐसा करते करते अनुभव में लाना है। और कठोपनिषद के ये सब बात चर्चा की, असंभव है। और भगवान इसके बाद काल चर्चा हो पाएगा, इसके बाद काल चर्चा हो पाएगा। इधर लिखा हुआ है भगवान का कुछ विभूति का बारे में वर्णन, चलो हम बोल देते 12 नंबर श्लोक और काल खुला खुला चर्चा करेंगे क्या कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि जदादित्य गतम तेयो जगद भासयते अखिलम जच्चंद्रमसी जच्चाग्नौ तत्तेयो विद्धिमामकम। क्या बताया, बड़ा आश्चर्य है। भगवान कहते हैं देखो, भगवान कहते हैं कि देखो क्या बात है, ये तो सूरज उदित होने का बाद जो तेज है, ये तेज जदादित्यगतम तेयो
जगद भासयति अखिलम, सूर्यों का जो तेज है ये जो है, भगवान कहते हैं ये जो जगत पूरा जगत को रोशनी देते हैं, आलोकित करते हैं, ये मेरा तेज है। जदादित्यगतम तेयो जगद भासयते अखिलम जच्चंद्रमसी जच्चाग्नौ तत्तेयो विद्धि मामकम। आप भगवान अपना विभूति का बारे में और कह रहे ज्यादा, भले ये भले कह रहे हैं कि ये सूरज सूरज भगवान इसका अंदर में जो तेज है अर्जुन है मेरा तेज है, और चंद्रमा जो औषधि औषधियों को, चंद्रमा रात के समय औषधियों को जो परिपुष्टि करती है करता है ये भी मेरा है। जच्चादित्यगतम तेयो जगद भासयते अखिलम जच्चंद्रमसी जच्चाग्नौ तत्तेय विद्धि मामकम। विद्धि अर्जुन ये समझ के रखना, जान के रखना, अग्नि का अंदर में जो आग है ये भी मेरा है। ये जो प्रकाश फैलता है ना, आग रहता है कि उसमें ताप मिलता है, प्रकाश मिलता है, सब कुछ मिलता है, ये मेरा है, ये सारे मेरा है, ये सारे मेरा है। ऐसा करके भगवान धीरे धीरे अपना जो विभूति है, विभूति को धीरे धीरे खोल रहा है, और पहले भी खोल चुका, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि जितना भी सुनो समझ में नहीं आता है कि भगवान तमाम जो कुछ भी है सब भगवान है। इतना सुनने का बावजूद, इतना सुनने का बावजूद फिर भी समझ में नहीं आता है कि भगवान ऑल इन ऑल सब कुछ भगवान है। यहाँ तक कि मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा मन मेरा शरीर इन मेरा नहीं, अगर मेरा होता तो ये मेरा शरीर क्यों नहीं सुनता है, ये मेरा शरीर मेरा अगर है तो मेरा क्यों सुनता नहीं। सुबह में थोड़ा ठीक है, शाम को तबीयत खराब हो जाता, रात को और खराब, फिर सुबह में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार आया, क्यों मेरा बात मान, शरीर तो मेरा है ना, मेरा है ना, तो मेरा अगर है तो मेरा बात क्यों मन नहीं, मन अगर आपका है तो मन आपका बात क्यों मन नहीं रहा, मनमानी चल रहा है। अर्थात जीवात्मा प्रकृति का अंदर गिरने का बाद जो हालत पैदा होता है ततस्थ अवस्था में इस वेरी पेनफुल, ये इतना पेनफुल है उर्दो लोग में भूर भुवस्व महोजनो तपो सत्यो, उर्दो लोग में जो मुनि ऋषि उपकुर्बन ब्रह्मचारी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो जहाँ जिसका प्लेस है, जनलोक में एक रहते हैं, महोलोक में दूसरा ऋषि मुनि रहता है, ये लोग ये जो हमारा ये जो दुनिया है इसमें इतना कष्ट मिलते रहते हैं, आदमियों को इतना कष्ट मिलते रहते हैं कि ये ऋषि मुनियों ने कभी कभी इसका आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, इनके आंसू से आंसू टपकते रहते हैं, ये इतना कष्ट क्यों कर रहा है, क्या कारण है, ये रो रहा है, मर रहा है, खतखसी कर रहा है, क्या कारण है, ये तो कोई दरकार नहीं था, है ये क्या दरकार था, ये माया है, माया में फंसकर अभी कर रहा है। याद है ना ये कीर्तन को किया था, आर कनो माया जाले पड़ते जो जीव मीनो, याद है ना, याद नहीं है, कीर्तन करना, आर कैनो माया जाले परी ते जीव मीनो नहीं जानो बद्ध होए रवे तुमी चीरो दिनो अति तुच्छ भोगो आसे बंदी होए माया पासे रहिले विकृत भावे দন্দ যথা পরাধীন এখন চেতন পেয়ে
Krishna kipa sindhu jale anayase thako tumi hoye Krishna prema dhino ar keno maya jale parite cha jivo mino nahi jano baddho hoye rave tumi chiro dhino. आई बात समझ में? तो ऐसा करके विचार बनाना, कीर्तन को करना, कीर्तन जरूरी है। इतना सुंदर कीर्तन है, भयं द्वितीयो विनिवेशतः सात ईशात अपदस्य विपर्यय अश्रुति ही तन्मयाया अतो बुधो आवयत्वं भक्तैक एषं गुरुदेव तत्मा वांछाकल्पतरुवस्य के बासिंद व्यवच पतितानं पावने भो वैष्णवभ्यो नमो।